मेरा जॉब था उसमें $100 मिले, तभी मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, मतलब इतने भी पैसे कमा सकते हैं वो भी बहुत कम टाइम में। मतलब काम तो करना ही है बट कम टाइम में भी आप कुछ अच्छे मनी मेक कर सकते हो रादर देन यूजिंग जॉब। सो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, रेजिग्नेशन लिखा। मुझे एक घंटा लगा रेजिग्नेशन के सेंड बटन पे क्लिक करते हुए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था और मैं सोच रहा था कि मतलब यू नो जब भी आप लाइफ में कोई डिसीजन लेते हो सो आपके तो रिजेक्ट ही हो रहे थे प्रोफाइल, क्योंकि मैंने प्रोफाइल बनाया, सबमिट किया रिव्यू के लिए और अपवर्क रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरे प्रोफाइल कैपेबल नहीं थे। सो ये जनरली मतलब सभी के करियर में होता है कि पता नहीं होता करना क्या लाइफ में। सो मतलब वेब डेवलपमेंट किया, फिर इवेंचुअली बोर हो गया कि वेब डेवलपमेंट ही करना है कि दूसरा कुछ भी ट्राई करना है, क्योंकि दे डोंट वॉन्ट टू यू नो अंडरस्टैंड हु आर यू। सो जनरली वॉट पीपल डू इज ऑन द फ्रीलांस वेबसाइट दे स्टार्ट विद हाई आई हैव लाइक 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव डन दिस 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 दिस, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। प्रॉब्लम ये रहता है अगर कोई भी, अभी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं अभी सब अकाउंट बना लेंगे जाके, बट क्लाइंट कैसे आएगा भाई, वो चीज कैसी थी यार, वो थोड़ा इनसाइट बताओ। अगर अब आपको इस टाइम पे फ्रेशर्स देख रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक क्लीन रोड मैप क्या रहेगा एक डेटा इंजीनियर बनने के लिए? और डेटा इंजीनियरिंग और लाइक्स कैसे होता है, राइट? आप जब भी कोई भी वीडियोस को लाइक करते हो वो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो डेटाबेस में जाके स्टोर होती है, और आफ्टर एवरी आवर और एवरी 30 मिनट्स वही जो ट्रांजैक्शन होंगे वो प्रोसेस होंगे और डेटा वेयरहाउसेस में जाते हैं, और उस बेसिस पे मशीन लर्निंग मॉडल उसको उठाता है। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो गेस्ट हैं गाइस, जो कि एक डेटा इंजीनियर फ्रीलांसर हैं, महीने का लगभग 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, मुंबई में रहते हैं, जिनका नाम दर्शिल है। और डेटा इंजीनियर प्रोफाइल काफ़ी बूम पे है, काफ़ी ग्रोइंग प्रोफाइल है, और इनका आज पूरा एक्सपीरियंस हम जानने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। कैसे इन्हें क्लाइंट मिले, कैसे इन्होंने प्रोफाइल बिल्ड किया, ऑल्दो इनका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में था, फिर इनको 3 से 4 इंटर्नशिप मिली डेटा इंजीनियर प्रोफाइल में, फिर वहाँ जैसे वो इंटर्नशिप कंप्लीट हुई इन्होंने 1 साल जॉब किया, और फिर इनको लगा यार अब मैं जॉब नहीं करूँगा, अब मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग करूँगा। किस तरीके के क्लाइंट हैं इनके पास, कैसे एज अ फ्रीलांसर अगर आपको आगे बढ़ना है तो कैसे आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हो, वो सब बातें इसके अंदर होने वाली हैं। और एक क्या क्लीन रोड मैप रहेगा डेटा इंजीनियर बनने के लिए, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, क्या ये सब कुछ सीखना है, आज मैं इनसे सीधे सवाल इनसे पूछने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, आज का सेशन पूरा पैक्ड है और एक मूवी की तरह है, पूरी मूवी देखना ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एम रखा है 4000 का, अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। चलिए बात करते हैं दर्शिल से, समझते हैं पूरा इनका एक्सपीरियंस। चलिए तो दर्शिल स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है, अभी जो आप काम कर रहे हो वो फ्रीलांसिंग के अराउंड है, और हर कोई चाहता है कि फ्रीलांसिंग के थ्रू इनकम जनरेट करना, तो मैं सारा प्रोसेस आपसे समझने वाला हूँ, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो डेटा इंजीनियर के अराउंड है, और कैसे आपने यू नो 3 लाख पर मंथ अचीव किया और उससे ज़्यादा आप अभी अर्न कर रहे हो। तो ओवर टू यू, कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन, देन आई विल मेक माई क्वेश्चंस। थैंक यू अजय फॉर इन्वाइटिंग। सो मतलब जनरली मुझे अच्छा लगता है मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना लोगों के साथ, क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, और जिससे लोग सीखे तो वही उनके जो फीडबैक्स आते हैं और उनको अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाते तो बहुत अच्छा लगता है। सो मेरी जर्नी भी मतलब जनरल लोगों की तरह ही थी, Tier 3 कॉलेज से स्टार्ट किया था मैंने भी, ऐसा कोई ऐसा IIT या ऐसे नहीं स्टार्ट किया था, बट थोड़े बड़े ड्रीम्स थे, मतलब कुछ अचीव करना था लाइफ में। सो स्टार्ट तो वैसे ही किया, मतलब आफ्टर 10th यू गो फॉर डिप्लोमा, सो मुंबई में ही पढ़ाई की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड देन आई वेंट फॉर द डिग्री, सेम IT कंप्यूटर साइंस में डिग्री किया, वो BTech डिग्री होता है, और वहाँ पर मतलब मेनली करियर स्टार्ट हुआ मेरा वेब डेवलपमेंट से। सो कुछ करना था, सीखना था, कोडिंग वोडिंग सब बोल रहे, मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना, ये करना वो करना, तो स्टार्ट किया वेब डेवलपमेंट से, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ गया मतलब हाउ वेब डेवलपमेंट वर्क्स, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, सब कनेक्ट कैसे होते हैं, तो वैसे ही करियर स्टार्ट हुआ। सो फिर धीरे धीरे पता चला कि इंटर्नशिप्स करनी होती है, सो इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया और सीखा मतलब कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, वेबसाइट कैसे डेवलप होती है, इंडस्ट्री कैसे चलती है, राइट? सो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, फिर डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, जॉब किया, फ्रीलांस किया, और अभी जॉब कहाँ किया आपने, मतलब जॉब का कॉलेज के बाद ही जॉब किया था?
यस सो मतलब दो ऑप्शन होते हैं जनरली, प्लेसमेंट होता है और ऑफ कैंपस होता है. सो जॉब में तो मतलब ऑन कैंपस तो दिया था, मैंने TCS के लिए इंटरव्यूज दिए थे, बहुत सारे मास्टर स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज में तो उनके लिए दिए, बट मेन जॉब मेरा ऑफ कैंपस ही लगा क्योंकि मैंने एक इंटर्नशिप की हुई थी मतलब थर्ड ईयर में. सो वहाँ से ही मुझे फुल टाइम ऑफर मिला और एक मिड साइज कंसल्टिंग फॉर्म थी, क्लाउड कंसल्टिंग फॉर्म, वहाँ पे मतलब डेटा इंजीनियरिंग डेटा साइंस की कंसल्टिंग करते थे वो लोग. सो आई गॉट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देयर मेनली. तो बेसिकली कॉलेज टाइम पे आपने वेब डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें स्टार्ट करी, कुछ सीखना शुरू किया, उसके बाद जो आपको इंटर्न मिला वो डेटा इंजीनियर प्रोफाइल के अराउंड थी, राइट? इज इट? यस. सो या मतलब सम वॉट, मतलब कैसा था कि आई वॉज वर्किंग एज अ वेब डेवलपर, सो आई वॉन्टेड टू स्विच इन टू समथिंग एल्स. सो मेनली इन वेब डेवलपमेंट यू वर्क ऑन अ टेक्निकल साइड, सो खाली पूरा दिन कोडिंग करता था, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड उसमें ही जाता था. सो आई वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट बिजनेस, कि प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है, बिजनेस साइड पर क्या होता है. सो एक टर्म आया मतलब कुछ 2018 जब मेरे कॉलेज में था कि डेटा साइंस. सो आई थॉट कि यू नो एक्सप्लोर करते डेटा साइंस स्पेस क्या है, मतलब कैसे होता है. सो उस पर कोर्सेज या सीखना स्टार्ट कर दिया. सो लाइक 6 months लगा मुझे, 6 to 1 year टू लाइक कोर्सेज आफ्टर कोर्सेज, ब्लॉग्स वीडियो सब देख लिया और डेटा साइंस मतलब जितने भी टूल्स से सब सीखने का ट्राई किया. तो उस जर्नी में मैंने वेब डेवलपमेंट से डेटा साइंस पे स्विच किया यूजिंग एन इंटर्नशिप. सो एक इंटर्नशिप भी मिल गया, अनपेड इंटर्नशिप रिमोट. ओके, कुछ कमाना नहीं खाली सीखना है, मतलब वही टारगेट था. सो वहाँ पे कंपनी इंडिया की थी या बाहर की थी? यस, इंडिया की कंपनी थी. मतलब वो इंटर्नशाला पे अप्लाई कर रहा था, वहाँ पे से एक जन का रिप्लाई आ गया, बोला कि टेक्स डेटा पे NLP पे कुछ करना है. तो मैं बोला कि जनरली हम लोग स्टैक ओवरफ्लो पे होते, राइट? सो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस होते और टैग्स अटैच होते. तो वो कंपनी भी सिमिलर स्पेस में थी, तो एक टेक्निकल बुक होते थे उसमें से मुझे टैग्स एक्सट्रैक्ट करने, क्वेश्चंस जनरेट करने यूजिंग मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस टेक्निक्स, एंड देन वो वेबसाइट पे जाते थे. सो वो बैक एंड योर डेटा साइंस का मेन काम था वहाँ पे सीखा. फिर वही इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस यूज करके मैंने और इंटर्नशिप अप्लाई करने, क्योंकि जनरली हम लोग कोर्सेज से सीखते हैं तो मतलब वो सीखना ही होता है, वहाँ पे कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो नहीं होता, तो एक कोर्स के बाद दूसरे कोर्स पे जंप करते. बट अगर सच्ची में कुछ सीखना है या यू नो एक्चुअल लर्निंग होना चाहिए तो इंटर्नशिप के थ्रू होती है. सो आफ्टर दैट इंटर्नशिप एक और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और वही चीज़ से मुझे फुल टाइम ऑफर मिला जो कन्वर्ट हुआ. तो इंटर्नशिप जो आपको मिला वो लास्ट सेमेस्टर के बाद मिला था या आपको कॉलेज टाइम में ये इंटर्नशिप मिलते जा रहे थे? हाँ, सो मतलब कॉलेज के फाइनल ईयर में इंटर्नशिप मिली थी मुझे, ये थर्ड इंटर्नशिप थी मेरी लाइफ की. सो वहाँ पे मतलब कॉलेज के साथ मैं मैनेज करता था. सो जनरली क्या होता था कि मेरा मॉर्निंग 9 to 4 तक का इंजीनियरिंग मतलब कॉलेज का जो टाइमिंग होता है, सो मैं 1 बजे निकल जाता था कॉलेज से, बंक मार के सब लेक्चर्स और इंटर्नशिप के लिए चला जाता था. और वहाँ पे मतलब फिर 1 से लेके कुछ 12 बजे तक का जो इंटर्नशिप का शेड्यूल होता था वो मैनेज करता था, क्योंकि US के क्लाइंट्स होते थे तो थोड़ा ओवरलैप भी होना चाहिए था उन लोग के साथ, तो वो टाइमिंग ऐसा मैच होता था. फिर से सुबह 6 बजे उठ के कॉलेज जाना और वो साइकिल होता था वैसा, तो मैनेज करना पड़ता था. ओके, सो ट्रांजिशन की अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट टू डेटा इंजीनियर, राइट, जैसे अब डेटा साइंस फील्ड की आप बात कर रहे हो जो आपको इंटर्नशिप में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, राइट? सो वेब डेवलपमेंट तो कॉलेज तक ही रहा, बट इंटर्नशिप के बाद सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, फिर आपने पीछे वेब डेवलपमेंट की तरफ मुड़ के नहीं देखा. ऑल्दो वेब डेवलपमेंट की काफ़ी डिमांड है, बट आपके माइंड में मतलब फिर कैसे, मतलब आपको क्या लगा मुझे इसमें आगे जाना है या एक इंटरेस्ट बिल्ड हो गया? सो ये जनरली मतलब सभी के करियर में होता है, राइट, कि पता नहीं होता करना क्या लाइफ में. सो मतलब वेब डेवलपमेंट किया, फिर इवेंचुअली बोर हो गया कि वेब डेवलपमेंट ही करना है कि दूसरा कुछ भी ट्राई करना है, क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ द करियर था कि बोला कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते थे. सो डेटा साइंस किया, मशीन लर्निंग में भी एक बार जाके देखा और डेटा इंजीनियरिंग. सो मतलब मल्टीपल चीज़ों ट्राई करके एक फाइनल सिलेक्शन पे आना, वो जनरली स्टार्ट ऑफ द करियर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फेलियर के बहुत कम चांसेस होते हैं. इवन फेल हो गए तो स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, 20 साल के हो 21 साल के हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? सो वैसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और मालूम पड़ा कि वेब डेवलपमेंट नहीं करना, डेटा साइंस अच्छा है बट इतना इंटरेस्टिंग मेरे लिए तो नहीं है. ओके, लोगों को अच्छा लगता है, अच्छी बात है. मशीन लर्निंग भी ज़्यादा मैथमेटिक्स है, तो मतलब उसमें PhD लेवल पे जाके नहीं करना मुझे. और डेटा इंजीनियरिंग एक ऐसा स्पॉट था कि मतलब इसमें बिजनेस भी था और टेक्निकल चीज़ भी थी, क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं गूगल मैप्स कैसे काम करता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग पे, राइट, और वो चीज़ अगर आपको बैकएंड में देखने मिले कि रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा कैसे होता है, तो मतलब वो देख के इंटरेस्ट जागेगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और देखने मिल रहा है कि दुनिया कैसे काम करती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से. इसीलिए डेटा इंजीनियरिंग पे आके
रुक गया मैं अभी तक। नहीं नहीं बहुत अच्छा है यार, आपकी अभी ऑडियंस हमें आपको देख रही है अभी, इनकी गाइस देखना स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, आपको बहुत मोटिवेट करेगी आगे। मैंने काफ़ी सारे सवाल सामने है मेरे जो मैं इनसे पूछने वाला हूँ। सो दर्शिल ठीक है, अब इंटरेस्ट बिल्ड हो गया आपको, 3 से 4 इंटर्नशिप मिल गई, फिर आपने परमानेंट जॉब के लिए सोचा आपको, मतलब इंटर्नशिप के बाद कि मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ? सो हाँ, मतलब जनरली आफ्टर द यू नो ग्रेजुएशन चॉइसेस भी बहुत सारी होती है, कि बहुत लोग जा रहे हैं मास्टर्स के लिए अब्रॉड, कोई लोग जॉब कर रहे हैं, कोई अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, सो बहुत सारे पास होते हैं, तो और हमको ऑब्वियसली बेस्ट पास चूज़ करना अपनी लाइफ के लिए। सो मेरे लिए मतलब अब्रॉड का एक चांस था, बट मैंने बोला कि मुझे जॉब तो आगे फ्यूचर में करनी नहीं है, सो मैं यहाँ पे ही जॉब करके एक्सपीरियंस लेके देखता हूँ कि मतलब लाइफ कैसी होती है कॉर्पोरेट में। सो मैंने 1 साल जॉब करी, उस जॉब में मतलब वही इंटर्नशिप की कंपनी में जॉब मिल गई थी मुझे फुल टाइम ऑफर, बहुत ही अच्छा मतलब डिसेंट पैकेज आफ्टर द ग्रेजुएशन फ्रॉम डीएटी। क्या डेजिग्नेशन था आपका वहाँ पे? वहाँ पे मेरा एसोसिएट डेटा इंजीनियर डेजिग्नेशन था। ओके ओके। और मतलब एवरेज पे भी मतलब कुछ 7 लाख 8 लाख पर एनम, जो मोर देन द एवरेज सैलरी फ्रॉम द मास्टर ग्रेड, सो मतलब बहुत ही अच्छे से चल रहा था लाइफ। सो पर प्रॉब्लम वो था कि मतलब स्केड्यूल बहुत हैक्टिक था, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ मुंबई में, मुझे 1.5 आवर लगता था ऑफिस तक जाना, तो मैं कुछ ढूंढ रहा था कि मैं कुछ बाजू में मिल जाए या तो घर से काम करने मिले, राइट समथिंग लाइक दैट, सो तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। सो वैसे ही करते करते मतलब पता चला कि फ्रीलांसिंग भी होता है, वीडियोस देख रहा था ऑनलाइन यूट्यूब पे, स्टार्टिंग में लगा कि स्कैम होता है फ्रीलांसिंग, बट इवेंचुअली जब स्टार्ट किया, वो भी जॉब के साथ ही स्टार्ट किया था, कि साइड में जॉब करता था, मतलब मॉर्निंग फ्री होता था क्योंकि आफ्टरनून में जॉब होता था, तो आफ्टरनून से मॉर्निंग में फ्रीलांस संभालता था और आफ्टरनून में जॉब, सो मतलब पूरा मतलब 14 to 16 hours सिर्फ काम में जाता था। सो अगर आप नॉन आईटी के अंदर हैं, अगर आपको आईटी में आना है और डेटा एनालिस्ट वाली प्रोफाइल में आना है विद जॉब गारंटेड, तो एक प्लेटफॉर्म है जो कोडिंग इन्वेडर्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, और अगर आप स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो नॉन आईटी में, उनको आईटी में आना है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए 100% जॉब गारंटेड प्रोग्राम है। प्रॉपर आपका एग्रीमेंट होगा, अगर आपका जॉब नहीं लगता है तो आपको मनी बैक गारंटी है। तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ इस वीडियो के अंदर। जो कोर्स है गाइज वो है डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल फ्रॉम स्क्रैच, सब कुछ आपको स्टार्टिंग से कराया जाएगा, लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप है, हर एक कैंडिडेट को एक मेंटोर असाइन किया जाएगा ताकि कहीं भी आप स्टक हो तो आपको प्रॉपर हेल्प मिले। और 8 मंथ का ये कोर्स ड्यूरेशन 8 मंथ का है, फॉर्मेट इनका ऑनलाइन है और जॉब गारंटेड है, सब कुछ स्क्रैच से है, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी। तो ये काफ़ी डिमांड पे है, काफ़ी ट्रेंड पे है, और जैसा आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो 100% जॉब गारंटेड है। पाइथन, SQL, पावर BI पे आप काम करवाएंगे, नो प्रायर नॉलेज एक्सपीरियंस इज नेसेसरी, 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। इनके लाइव सेमिनार्स चलते हैं वीकली, 2 सेशंस हो गए, 3 सेशंस आपको लाइव आपको अटेंड करने होंगे, किसी वजह से अगर आप अटेंड नहीं कर सकते तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी बाद में सुन सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, बाकी जो भी लोग नॉन IT से हैं वो प्लेस हुए हैं, लाइक उनका जो हाइक है 30-40% हाइक उनका हुआ है और IT में आने के बाद, सो ये कुछ आप देख रहे हो टेस्टिमोनियल, आप ये वेबसाइट मैंने लिंक दे रखा है, आप चेकआउट भी कर सकते हो। बाकी इनकी पॉलिसी है ऑनेस्ट जॉब गारंटी पॉलिसी, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आर प्रोग्राम एंड विल रिटर्न योर मनी बैक इफ़ यू डोंट फाइंड अ जॉब, सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो डेटा एनालिस्ट गाइस काफ़ी बूम पे है, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इनका अभी ना स्कॉलरशिप कैंपेन भी चलते रहते हैं, मैंने अपना कूपन कोड दे रखा है, आप वो यूज़ कर सकते हो टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट। बाकी अगर प्लेसमेंट की बात करें तो 94.4% इनका प्लेसमेंट रेट है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 8 मंथ का कोर्स है, अगर आप नॉन IT से IT में आना चाहते हैं, एंड अगर आप स्टार्टिंग से ही करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं किसी और फील्ड के अंदर, तो आपको 30-40% हाइक आपको मिल जाएगा आने वाली नई कंपनी के अंदर, अगर आप इनका पूरा कोर्स कर लेते हैं तो। बाकी जो इनका स्टडी फॉर्मेट है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी वो ऐसा नहीं है कि बहुत बेसिक रहेगा, जो इंडस्ट्री की डिमांड है उस तरीके से आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। बाकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी यहाँ पे आते हैं और सेशंस लेते रहते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी करियर ग्रोथ के लिए। बाकी मैंने यूजफुल लिंक फिर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट, एंड कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मुझे ये बताओ, बड़ा मुश्किल होता है यार, अब एक जगह से आपका एक पैकेज डिफाइन है, आपकी एक जॉब के आर्स फिक्स है, उसके बाद ऐसा रिस्क लेना कि अब मुझे जॉब को छोड़ देना है, अब मुझे फुल टाइम मतलब या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, फुल टाइम वहाँ पे देना है, कितना मुश्किल था? पेरेंट्स की तरफ से कुछ था नहीं कि भाई तू ये क्या कर रहा है, अभी अच्छी खासी जॉब चल रही है, क्यों जॉब छोड़ रहा है, ऐसे कुछ चैलेंजेस आए थे आपको? यस, मतलब सो मैंने बहुत स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लिया। सो फॉर एग्जांपल मैंने 1.5 ईयर के जॉब किए, बट उस पीरियड में मैंने फ्रीलांसिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था जॉब के साथ,
सो स्टार्ट किया था, मतलब साइड में फ्रीलांसिंग चल रहा था और जॉब भी चल रहा था, तो इनकम फ्रीलांसिंग से भी आने लग गई थी। फर्स्ट मेरा जॉब था उसमें $100 मिले, तभी मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, मतलब इतने भी पैसे कमा सकते हैं वो भी बहुत कम टाइम में। मतलब काम तो करना ही है बट कम टाइम में भी आप कुछ अच्छे मनी मेक कर सकते हो रादर देन यूजिंग जॉब। सो साइड में ही कर दिया था, तो पहले 2-3 क्लाइंट्स मिले जिन्होंने बहुत $80 $100 बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। फिर एक बार मुझे एक अच्छा खासा क्लाइंट मिला जो बड़ा क्लाइंट था, जिसने आर्ली पे करना स्टार्ट किया मुझे। मेरा फर्स्ट जॉब वॉज लाइक $20 पर आर। सो अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स करो तो $20 $1 होता है 70, और 20 × 70 करोगे तो कुछ आपके आर्ली, मतलब डेली अगर आप 8 घंटा भी काम करते हैं तो $150-$200 हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटेडली काम करो। सो अगर आप उसको INR में कन्वर्ट करते हो तो आप अगर मैथमेटिक्स लगाओ वहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 8-10,000 rupees हो ही जाता है, मतलब दिन का। ये हम मंथ की बात नहीं कर रहे, दिन की बात कर रहे। सो अगर आप दिन में इतना कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी मुझे महीने का 2,000 मिलता था और वहाँ से दिन का 10,000 कमाना बहुत बड़ी बात होती है। सो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है राइट, थोड़े जैसे जैसे काम करते जाते हैं। तो जॉब भी कर रहा था, फ्रीलांसिंग भी कर रहा था, तो इनकम बिल्ड हो रही थी। फिर एक डिसीजन था कि मतलब अगर इसको मैं फुल टाइम देता हो, मतलब जॉब छोड़ के, द वर्स्ट केस सिनेरियो इज़ कि मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा, मुझे कुछ काम नहीं होगा, तो मुझे फिर से जॉब करना पड़ेगा। तो मैं मतलब डैड के पास गया, उनको बोला कि मतलब मुझे जॉब छोड़नी है और मैं इस साइड में कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे, कभी ना नहीं बोला, कि उन्होंने बोला कि करके देखो, एक साल अगर नहीं चलता है तो जॉब कर लेना, मतलब क्या ही बुरा है राइट। एग्जैक्टली, सो मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, रेजिग्नेशन लिखा। मुझे 1 घंटा लगा रेजिग्नेशन के सेंड बटन पे क्लिक करते हुए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था और मैं सोच रहा था कि मतलब यू नो, जब भी आप लाइफ में कोई डिसीजन लेते हो सो आपका माइंड बोलेगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो पे फोकस करेगा, तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, नहीं होगा, नहीं चलने वाला राइट। सो ये सब डिसीजंस थे बट उसको ओवरकम करके कर दिया, और फिर गॉड्स ग्रेस, मतलब अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब और क्लाइंट्स आने लग गए। बट उसमें मेहनत भी साइड में उतनी ही है, आपको काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करोगे कि लाइक एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी आने ही वाली, ऐसा नहीं होता है फ्रीलांसिंग में। आपको काम करोगे तो ही पैसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सो थोड़े ट्रेड ऑफ्स होते हैं बट अगेन रिवॉर्ड ज़्यादा है, जितना रिस्क लोगे, जितने अच्छे क्लाइंट के साथ करोगे तो आपको उतना अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। बहुत अच्छे दर्शन, काफ़ी अच्छे से आपने चीज़ें बताई। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि एक फ्रीलांसर के लिए उसकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनिशियल टाइम पे अगर आपकी जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी, जितनी इंगेजिंग होगी, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, आपका पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है। हाउ यू स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, लाइक जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है अपवर्क है, freelance.com है, फीवर है, सो आपने कैसे स्टार्ट किया? मतलब क्या वो ठीक है, जैसे आपने कहा कि आपने ऑफिस टाइम पे ही साथ साथ शुरू कर दिया था, तो वो कैसे आपने बिल्ड किया, अपनी प्रोफाइल को कैसे बिल्ड किया कि भाई अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो आपको वहाँ से काम आना? क्योंकि प्रॉब्लम ये रहता है, अगर कोई भी अभी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, अभी सब अकाउंट बना लेंगे जाके, बट क्लाइंट कैसे आएगा भाई, वो चीज़ कैसे थी यार, वो थोड़ा इनसाइट बताओ। सो फर्स्ट क्लाइंट लाना मतलब ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता ही है, क्योंकि यही सबका क्वेश्चन होता है कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है बट पता नहीं कि फर्स्ट क्लाइंट कैसे लाए राइट। सो मैं जनरली यही, मतलब मेरे चैनल पे मैं लोगों को यही सिखाता हूँ कि फ्रीलांसिंग, एज अ फ्रीलांसर यू आर एन एक्सपर्ट, ओके, यू आर नॉट समवन हु यू नो समथिंग। मतलब जनरली हम जॉब में जाते हैं तो एज अ कंपनी वो लोग हमें ट्रेन करते हैं और हम लोग को कैपेबल बनाते हैं कि वो जॉब प्रोफाइल पे काम कर सके, बट एज अ फ्रीलांसर यू आर एन एक्सपर्ट। सो कोई भी क्लाइंट को कभी प्रॉब्लम होता है, अगर उन्हें किसी को हायर करना है तो उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, सैलरी देनी होगी और बहुत सारी चीज़ें होती है। और लोग फ्रीलांसर्स के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि वो लोग के पास प्रॉब्लम है और उनको सोल्यूशन, डायरेक्टली सोल्यूशन चाहिए, उन लोग को बाकी कोई चीज़ों से मतलब लेना देना नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एन क्लाइंट वो वॉन्ट्स टू बिल्ड अ वेबसाइट, जैसे वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी है, और 5 फ्रीलांसर्स है और उसमें से मेरे पास अगर वर्डप्रेस की स्किल्स है तो मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसमें भी और स्पेसिफिक नीच पे जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप चूज़ करो कि एलिमेंटर आना चाहिए, वो वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन होता है राइट। सो अगर मुझे आता है वो चीज़ और लोगों को नहीं आता, लोग सब लोग बोल रहे कि मैं वर्डप्रेस एक्सपर्ट हूँ, बट आई एम एन एलिमेंटर एक्सपर्ट। सो आई एम एन एक्सपर्ट इन वन स्पेसिफिक नीच एंड यू हैव अ प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर नीच, सो आई कैन टॉक टू यू एंड लाइक यू नो गेट द प्रोजेक्ट एंड गेट द वर्क डन। सो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। सो एक तो स्टार्ट ऑफ द फ्रीलांसिंग इज बेस्ड ऑन द स्किल सेट, कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, आप ऐसे ही डायरेक्टली फ्रीलांस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि एक स्किल अक्वायर करना, स्किल कोई भी हो सकता है, वेब डेवलपमेंट ले लो, डेटा इंजीनियरिंग ले लो, ग्राफिक डिज़ाइन ले लो, वीडियो एडिटिंग, व्हाटएवर इट इज़,
आपको एक नीश में बहुत ही अच्छा बनना है। फॉर एग्जाम्पल आपको वीडियो डेवलपमेंट में जाना है, वीडियो एडिटिंग करना है, सो आपको एक स्पेसिफिक नीश, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब क्रिएटर के लिए आप एडिटिंग करोगे उसका एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है, या वेब सीरीज के लिए एडिट करोगे उसका एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है, राइट। सो आपको एक नीश पिक करना है, आपको ब्रॉड एरिया में नहीं जाना। सो आप फर्स्ट स्किल पिकअप करो और उस पर प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम बात करते हैं वर्डप्रेस की, राइट। सो आप खुद की एक पोर्टफोलियो बनाओ, खुद का वेबसाइट बनाओ जो वर्डप्रेस में बिल्ट हुआ है, आपको स्पेसिफिक स्किल सेट लेके, और वो आप अपने प्रोफाइल पर डाल दो। मतलब जितने भी चीज़ें कर सकते हो आप कर लो, और अगर आपको दूसरे आप इंटर्नशिप करो या फिर जॉब करो वहाँ से एक्सपीरियंस है तो वो भी डाल सकते हो। सो ये आपका होता है स्किल बिल्ड करना और पोर्टफोलियो बिल्ड करना, क्योंकि वो जो क्लाइंट बैठा है उसको मालूम नहीं है कि आप कौन हो, राइट। आपके जैसे हज़ार लोग दुनिया में पड़े तो आपको क्यों देगा वो क्लाइंट। सो काम होता है, मतलब ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके पोर्टफोलियो से, अगर आप उसको बता और कन्विंस कर पा रहे हो कि आपके पास ये प्रॉब्लम है और मेरे पास इसका सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन को यूज़ करके मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ, तब जाके आपको वो क्लाइंट काम देगा। सो दिस इज़ द लाइक इनिशियल स्टेप, फर्स्ट स्किल, पोर्टफोलियो, फाइंड द क्लाइंट विद द प्रॉब्लम एंड पिच द सोल्यूशन। ईजिएस्ट वे में आप फर्स्ट क्लाइंट आप पिकअप कर सकते हो, और यही चीज़ मतलब आप फ्रीलांसिंग साइट के थ्रू मिल जाती है आपको। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे से आप बता रहे हो गाइज। वैसे मैंने काफ़ी सारे पॉइंटर्स रखे हैं इनके लिए, इनसे मैं बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इनसे डेटा इंजीनियर का एक रोड मैप भी पूछूंगा, एक रोड मैप के बारे में हम बात करेंगे। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी दे रखा है, आप फॉलो कर सकते हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लें, तो बाकी जो रेस्ट टॉपिक है इनके चैनल पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे इन्होंने, आप चेकआउट कर सकते हो। सो दर्शिल, नेक्स्ट मेरा सवाल है, जब आपका फर्स्ट क्लाइंट आया, मतलब वो एक खुशी अलग होती है, अब आप जॉब भी साथ साथ कर रहे थे, वो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस मोमेंट बताओ कि फर्स्ट, क्योंकि क्लाइंट्स कहाँ के हैं, सारे बाहर के थे या इंडिया के थे? सो फर्स्ट क्लाइंट मिलते मुझे 2 महीना लगा था। सो इन जनरली अपवर्क पे, ये आई चोज द अपवर्क बिकॉज इट्स लाइक द टॉप वेबसाइट फॉर द फ्रीलांसिंग। सो अपवर्क पे मुझे प्रोफाइल रिजेक्शन, 1 महीने के लिए तो रिजेक्ट ही हो रहे थे प्रोफाइल, क्योंकि मैंने प्रोफाइल बनाया, सबमिट किया रिव्यू के लिए, और अपवर्क रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरे प्रोफाइल कैपेबल नहीं थे। सो मुझे 1 मंथ हुआ खाली प्रोफाइल अप्रूवल के लिए। आफ्टर द प्रोफाइल अप्रूवल आपको कुछ कनेक्ट्स होते हैं, जो कनेक्ट्स यूज़ करके आप जॉब सबमिट कर सकते हो, राइट। सो वैसे मैंने कुछ 30 से 40 जॉब्स अप्लाई किए और कहाँ से भी मुझे रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि इन जनरल फ्रीलांसिंग साइट्स पे कैसा होता है, आपको प्रॉब्लम्स दिखाते हैं फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, आप कोई भी प्रॉब्लम पिक करते हो, आप उस पर प्रपोजल डालते हो, फिर आपको क्लाइंट का रिप्लाई आएगा। वैसे क्लाइंट 5 जन को रिप्लाई करेगा, फिर आपको कॉल पर जाना है क्लाइंट के साथ, प्रोजेक्ट को बात करनी है, सॉल्यूशन करना है, क्लोज करना है क्लाइंट को, प्रोजेक्ट पे काम करना है और फिर ख़त्म करना है। सो ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं अंदर। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि मतलब राइट प्रॉब्लम सिलेक्ट करना। सो मतलब जनरली मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट पे मुझे तो मतलब बहुत सारे प्रपोजल्स डाले मैंने, सब रिजेक्ट आए। फिर एक प्रोजेक्ट आया था कुछ गूगल क्लाउड पे, डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड ही था, कि मतलब क्लाइंट्स के पास सब HTML फाइल्स थी और उनको मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट करना था और डेटाबेस में डालना था, वेरी सिंपल प्रोजेक्ट। सो मैंने प्रपोजल सबमिट किया और डायरेक्टली सॉल्यूशन पे बात करना स्टार्ट किया कि आपका ये प्रॉब्लम है एंड आई कैन गिव यू दिस सॉल्यूशन एंड वी कैन डू दिस। सो दिस इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट दे डोंट वांट टू यू नो अंडरस्टैंड हु आर यू। सो जनरली व्हाट पीपल डू इज ऑन द फ्रीलांसिंग वेबसाइट दे स्टार्ट विद हाय आई हैव लाइक 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव डन दिस। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। क्लाइंट वॉन्ट्स टू नो इफ यू कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम और नॉट, एंड द वे टू कन्विंस दैट इज टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन कि you have this particular problem, I have this 2 solutions in front of you, we can discuss and pick the right solution which is budget friendly and little bit less expensive. So if you start with that, 10 proposal hoge, aapka proposal pehle select hoga, wo aapko client aapko reply dega, fir aap usko call pe jao, unse baat karo ki aise aise hum log kar sakte hai, project aise solve hoga aur finally deliver hoga. So same approach maine use ki, ye mujhe pata nahi tha aur mujhe internet pe mila nahi, but ye एक्सपीरियंस के थ्रू अंडरस्टैंड हुआ कि ऐसे चीज़ें होती है। सो फाइनली प्रोजेक्ट मिला, फर्स्ट प्रोजेक्ट $100, उसमें से $20 अपवर्क ले लेता है और $80 मिलते हैं। बहुत अच्छा है यार, बहुत ही इंस्पायरिंग। आपको शायद नहीं पता होगा दर्शिल, बट हमारे व्यूअर्स को पता है, 2015-16 में मैंने अपवर्क पे काम किया और बिड वगैरह लगती है। आप जैसे मैं एक फ्रीलांसर हूँ और 5-6 और फ्रीलांसर हैं, तो अगर कोई एक प्राइस कोट कर रखा है तो बिड के बेस पे
आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होता है, नो डाउट स्किल तो जरूरी है ही। तो मैं करता था वर्डप्रेस के ऊपर, पीएचपी के ऊपर मेरी कमांड थी कॉलेज टाइम पे। तो हम तीन चार लड़के थे अपवर्क पे काम करते थे, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई आज इनसे बात करके। ओके सो अभी चलो ठीक है, फर्स्ट क्लाइंट आ गया, अब आपको समझ कहीं ना फिर एक सेल्फ बिलीव भी हो जाता है कि अब यार यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ बड़ा कर सकता हूँ। वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं जब आपको ये लग जाए ना कि यहाँ कुछ मैं कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। यार आपने एक साल काम किया एक कंपनी के अंदर, मुझे ये बताओ क्या स्किल सेट में कोई डिफरेंस है कंपनी में काम कर रहे हो? आई नो डोमेन स्पेसिफिक चीज़ें रहती हैं, बैंकिंग डोमेन है, इंश्योरेंस डोमेन है, अब फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो, डिपेंड करता है कोई किसी का बहुत छोटा काम है, किसी का यू नो स्पेसिफिक कोई बड़े डोमेन के लिए, स्किल सेट कितना डिफरेंस है एक रेगुलर जॉब में और एक फ्रीलांस जॉब में? सो मतलब जनरली इन जॉब मतलब हम लोग दो चॉइसेस होते हैं, राइट? एक तो सर्विस कंसल्टिंग बेस्ड फॉर्म्स होती है और प्रोडक्ट बेस्ड फॉर्म होती है। अभी मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे मिड साइज कंसल्टिंग या सर्विस बेस में मिल गया, तो वो लोग का साइकिल और फ्रीलांसिंग का मतलब जो प्रोसेस होता है सिमिलर होता है। वो लोग बिग क्लाइंट्स के लिए अप्रोच करते हैं, मतलब सेम मतलब पिच करना, क्लाइंट्स लेके आना, प्रोजेक्ट्स करना अलग अलग डोमेन्स के और क्लोज करना। तो फ्रीलांसिंग भी सिमिलर एक्सपीरियंस होता है, बट छोटे स्केल पे करते हैं हम लोग इंडिविजुअल पर्सन पे। अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है तो मतलब वो कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक नीश पे काम करते, एक प्रोडक्ट पे काम करते। सो मतलब मेरा लाइफ का जर्नी मतलब वैसा ही मतलब प्रॉपरली प्लेस हो चुका था कि मतलब वही मुझे जॉब में जो एक्सपीरियंस मिला वही मैं यूज़ कर पाया फ्रीलांसिंग में। बट इन जनरल अगर फ्रीलांसिंग और जॉब की बात करें, सो डिफरेंस वो होता है कि जॉब में आपको स्पेसिफिक टाइमिंग दिया होता है, आपको उस पर काम करना है, बट फ्रीलांसिंग में आपको सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर तो कोई है नहीं। सो आप 10 बजे उठो, 12 बजे उठो, 3 बजे उठो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप काम करो कि नहीं। सो सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिल्ड करना, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है। सेकेंड थिंग इज़ जॉब में मनी की सिक्योरिटी होती है, 30 तारीख को एंड ऑफ द मंथ पैसा आने ही वाला है, कि अगर आपने काम नहीं किया विद द जितने भी आपको लीव्स मिलते हैं, राइट? सो आपको पैसे तो आने ही वाला है। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता, अगर मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ 15 दिन, सो 15 दिन के पैसे जा रहे हैं मेरे, तो वो भी काउंट करना पड़ता है। सो आप अपने टाइम को आर्ली बेसिस पे काउंट करना स्टार्ट करते हो कि अगर मैंने 2 घंटा वेस्ट किया है, सो मुझे इतना लॉस हो रहा है। पर ये मतलब काम की बात ही है, मतलब अगर आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो तो उसमें ये सब काउंट करना नहीं होता, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, राइट? सो तो आई थिंक वो सब आप कैलकुलेट कर लेते होगे यार, अब ठीक है इतना मेरा मतलब वो एक मोटिवेशन रहता है यार कि अब इतना इस मंथ का इतना मेरे को जनरेट हो गया रेवेन्यू, चल ठीक है थोड़ा सा इन्जॉय भी कर लेते हैं, फिर वापस आके दोबारा चीज़ें रिज्यूम करेंगे। बहुत अच्छे यार, बहुत कुछ इंसाइट्स मिल रहे हैं। एक फ्रीलांसर कैसे सोचता है, एक कैसा माइंडसेट चाहिए, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं इनसे सीख पा रहा हूँ। एंड गाइज आई बिलीव आप लोग भी यहाँ पे काफ़ी कुछ सीख पा रहे होगे। अगर यहाँ तक आ गए हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। इनको दोबारा मैं इनवाइट करूँगा, किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट ग्रोइंग प्रोफाइल है आने वाले टाइम में, तो बहुत कुछ है इस प्रोफाइल के अंदर। ओके सो दर्शिल, अकॉर्डिंग टू यू एक डेटा इंजीनियर का क्या रोल रहता है, क्या रोल्स है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जैसे आप एज अ फ्रीलांसर हो, एक क्या रोल है आपका? आई नो कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, प्रोजेक्ट आपको क्या मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बट क्या एग्जैक्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? सो मतलब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले मैं लोगों को बताऊंगा कि डेटा इंजीनियरिंग ही क्या है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं डेटा इंजीनियरिंग, क्योंकि वैसे मैं आ रहा था उस पॉइंट पे, बट ठीक है, बट नो वरीज, यू कैन फर्स्ट डिस्कस दिस पॉइंट। हाँ जी, ओके ओके, बिकॉज ओके स्टेप बाय स्टेप जाते तो मतलब अंडरस्टैंड होगा, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अमेजॉन, राइट? अमेजॉन एक कंपनी है, ओके, और कंपनी का एंड गोल होता है कि प्रॉफिट जनरेट करना और बिजनेस को इम्प्रूव करना। अभी वो बहुत तरीके से कर सकती है, बट आजकल डेटा इज़ द ऑयल एंड कंपनीज डेटा यूज़ करती है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो कंपनीज अंडरस्टैंड करेगी कि कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स रिटर्न हुए, कितने प्रोडक्ट्स सेल हुए, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कंपनी डेटा के थ्रू फाइंड कर पाती है। अभी डेटा कलेक्ट होते हैं मल्टीपल फॉर्म्स में, इमेजेस होते हैं, ऑडियोज होते हैं, फीडबैक्स डालते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, राइट? इवेंट्स जनरेट होते हैं, अलग अलग चीज़ें साथ है, तो ये सब डेटा अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं और एक जगह पे स्टोर होते हैं, डेटाबेस में हो गए, कोई अलग अलग क्लाउड स्टोरेज होता है वहाँ पे स्टोर होके इमेजेस स्टोर हो जाते हैं। अब ये सारे डेटा मतलब गार्बेज कलेक्शन भी हो सकता है, इसके अंदर अच्छे डेटा होते हैं, गार्बेज भी होते हैं। सो एज अ डेटा इंजीनियर योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिमूव द गार्बेज एंड मेक द डेटा इंटू प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। मतलब
जितना भी कचरा है उसको साफ करना है और जो भी अच्छे डेटा है उसको आगे पास करना है। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल ETL जॉब होता है, राइट, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लॉ। सो आप एक्सट्रैक्ट करते हो डेटा को, उस पर सब बिजनेस लॉजिक होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो और कुछ डेटा वेयरहाउस बिल्ड करते हो। डेटा वेयरहाउस मतलब एनालिटिक्स के लिए प्रॉपरली बिल्ड होता है। सो वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर डेटा साइंटिस्ट आते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स आते हैं, जो भी आपने डेटा बिल्ड किए है उसको अंडरस्टैंड करते, मॉडल्स बनाते और फिर से वो साइकिल स्टार्ट होता है कि बिजनेस इंप्रूव हुआ, प्रॉफिट इंप्रूव हुआ, फिर से डेटा जनरेट हुआ और कैसे प्रॉफिट बढ़ाए और कैसे कस्टमर को प्रॉपर सर्विस दे सके। सो ये एक रोल होता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज कोई पुराने डेटाबेसिस यूज़ कर रही है और उनको नए डेटाबेसिस पे जाना है क्योंकि कॉस्ट बच रहा है और मतलब यू नो माइग्रेशन होता है, ये इसको माइग्रेशन बोलते हैं कि पुराने डेटा से नए डेटा पे जाना। तो ऐसे छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, ऐसे डेटा इंजीनियर आपको संभालने होते हैं। बहुत अच्छे से बताया। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ गाइज, ये मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, जैसे डेटा इंजीनियर है या फिर डेटा एनालिस्ट है, और जैसे इन्होंने कहा डेटा क्लीन वाली बात, तो ना डेटा क्लीनिंग बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिनकी हेल्प से आप डेटा को क्लीन कर पाते हो, और जो वो डेटा क्लीन होगा वो डेटा आ चुका है फिल्टर होके, उसके बेस पे बिजनेस कुछ डिसाइड कर पाएगा अपने कैसे बिजनेस को और बेटर ग्रो किया जाए, राइट दर्शिल, ऐसा ही कुछ है? यस यस यस। सो ऐसा ही, मतलब अभी लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डेटा साइंस करना है, मशीन लर्निंग करना है, डेटा इंजीनियरिंग करना है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, मतलब आपको मैं आपको बैक स्टोरी बताता हूँ, अगर दो मिनट लूँगा आपका, कि जनरली 2018 में या 2017 में डेटा साइंस बहुत बूम हो रहा था, तो कंपनीज हायर करने लग गई कि डेटा साइंटिस्ट चाहिए मुझे, हम लोग को डेटा साइंटिस्ट चाहिए क्योंकि हमारा बिजनेस इंप्रूव हो सकता है। तो लोगों ने क्या किया कि जो भी डेटा से डेटा साइंटिस्ट हायर किया और उनको दे दिया कि ये हमारा डेटा है और हमको कुछ मैजिकली फाइंड करके दिखाओ जिससे हमारा बिजनेस इंप्रूव हो जाए। पर तब प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई कि जितने भी डेटा कंपनीज ने बिल्ड किए हैं वो डेटा प्रॉपर फॉर्म में ही नहीं है, और जो डेटा से हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो डेटा तो वो लोग कलेक्ट कर ही नहीं रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फाइंड आउट हुए। तो तब जाके पता चला कि इसके पहले भी हमें डेटा प्रोसेस करना होगा, तब जाके डेटा इंजीनियर्स की नीड आई। तो तब जाके पाइपलाइन बनी कि प्रोडक्ट का डेटा आता है तब डेटा इंजीनियर्स क्लीन करेगा, बिल्ड करेगा, फिर डेटा साइंटिस्ट पर्सन उस डेटा को यूज़ करेगा, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स मॉडल बिल्ड करेगा, और ऐसे अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हुए और इंडस्ट्री में प्रोफाइल्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लग गए। तो ये बहुत लोग कम लोगों को पता है ये चीज़, बट ऐसे ही चलता है। और जनरली लोग कंपेयर करते हैं कि डेटा साइंस बेटर है, डेटा इंजीनियरिंग बेटर है, बट ये सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू मशीन लर्निंग एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो कोई भी चीज़ बेटर नहीं है, एट द एंड आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, वो चीज़ होती है। बहुत अच्छे से बताया इन्होंने गाइस, काफ़ी सारी प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको सब में मास्टरी करनी है, अगर आप एक में अपने आप को अच्छा कर लेते हो तो आपकी एक पर्टिकुलर जॉब रहेगी जिसके अराउंड आप काम कर रहे होगे, यही दर्शिल बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सो बहुत अच्छा यार, आपने पहले बताया डेटा इंजीनियर एक्चुअली क्या है, इंजीनियरिंग क्या होती है। चलो मैं आ ही जाता हूँ। वैसे ना हमारे चैनल पे काफ़ी सारे जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो मैं हर किसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछता जरूर हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, अगर अब आपको इस टाइम पे फ्रेशर्स देख रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक क्लीन रोड मैप क्या रहेगा एक डेटा इंजीनियर बनने के लिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? हाँ मतलब जनरली, हाँ मतलब ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत आते हैं। सो डेटा इंजीनियरिंग में बेसिक चीज़ होती है कि आप डेटा के साथ बहुत काम करने वाले हो, और एक टूल है जो डेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि सब डेटा डेटाबेसिस में स्टोर होते हैं और आप SQL यूज़ करते हो उसको, और आप क्वेरी करते हो डेटाबेस को और मतलब डेटा कैप्चर करते हो, राइट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द बेसिक स्किल इज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो वो तो सीखना ही है क्योंकि इट इज़ द वे यू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। सो अगर SQL नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्ट है, और ये इंटरव्यूज में भी SQL पे ज़्यादा फोकस होता है। सेकेंड चीज़ होती है एक कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। इन जनरल डेटा इंजीनियरिंग में तीन चॉइसेस है, पाइथन है, जावा है और स्काला है। सो अगर आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो पाइथन से स्टार्ट करना बहुत इजी होता है क्योंकि सिंटैक्स बहुत इजी है, फटाफट कैचअप कर लोगे, पैकेजेस बहुत सारे हैं और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है। फिर बात आती है लिनक्स कमांड की। लिनक्स कमांड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रिमोट मशीन पे काम करोगे, अलग अलग मशीन को कनेक्ट करोगे और कमांड टाइप करोगे, तो लिनक्स कमांड आनी चाहिए क्योंकि मशीन से इंटरेक्ट करना है, जो मतलब डायरेक्टरी के अंदर कैसे चेंजेस करना है, कौन सी फाइल रिमूव करनी है, रीड करनी है। सो बेसिक चीज़ आनी चाहिए, आपको याद नहीं रखना पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ हम गूगल कैसे कर सकते हैं, उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, राइट। काम करना आना, वो चीज़ होती है बिग डेटा फंडामेंटल्स, राइट।
तो बिग डेटा फंडामेंटल्स में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि डेटा वेयरहाउसेस क्या होता है, डेटाबेसिस क्या होता है, फिर हम लोग कैसे मतलब वॉल्यूम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग कैसे काम करती है। तो ये सब थियोरेटिकल कंसेप्ट होते हैं आप जो ऑनलाइन सीख सकते हो, और उसी के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे अपाचे स्पार्क हडूप होते हैं, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनफ है, फिर आप अपने एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कर सकते हो। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम पिकअप करो, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड के डेटा है तो आप कोविड का डेटा पिकअप करो, उसको प्रोसेस करो अलग अलग पाइथन से सीक्वल से, डेटाबेसिस बिल्ड करो, फिर उसमें से प्रॉब्लम फाइंड करो, डैशबोर्ड बिल्ड करो, और ऐसा मतलब फाइनली आप एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करके आपका पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। सो ये बेसिक स्टेप होता है, बहुत ईजी है घुसना मतलब डेटा इंजीनियरिंग के लिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट में हज़ारों टूल्स अवेलेबल है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी मार्केट में ये ट्रेंड है तो ये टूल सीखते हैं, फिर वो टूल सीखते हैं, तो वो टूल्स के चक्कर में बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो सीखना भूल जाते हैं। और फाइनली एक चीज़ होता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि बिग डेटा है राइट, सो बिग डेटा प्रोसेस करना नॉर्मल मशीन पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेराबाइट्स ऑफ डेटा होते हैं। सो उसके लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं हम, और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स होती है जो प्रोवाइड करती है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग पे बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जो पहले से ही डिजाइंड होती है डेटा प्रोसेस करने के लिए। सो जितने भी चीज़ आप ओपन सोर्स में देखोगे, अपाचे स्पार्क हडूप, वो सब क्लाउड पे अवेलेबल है। स्टोरिंग के लिए भी सब चीज़ अवेलेबल होती है स्टोरेज, तो आपको खाली क्लाउड सर्विसेज सीख के वो काम करना आना चाहिए। तो मतलब ये बेसिक स्टेप है, इससे आप डेटा इंजीनियरिंग में एंट्री कर सकते हैं। बहुत अच्छा है यार, अभी आपने क्लाउड की बात करी, AWS के अंदर का इस बहुत सारी सर्विसेज हैं, और जिससे आप यू नो डेटा को इजीली, जैसे इलास्ट्रिक सर्च है, देयर मल्टीपल सर्विसेज जिसको आप सीखते हो, और क्योंकि क्लाउड तो चाहिए, क्योंकि आजकल हर कंपनी माइग्रेट कर रही है अपनी लेगेसी एप्लीकेशन को क्लाउड में, तो उसका नॉलेज तो ज़रूरी है। ओके, सो दर्शिल, आपके पास जो क्लाइंट है वो इंडिया के है या इंडिया से बाहर के क्लाइंट है ज़्यादातर, या इंडिया ऐसे इंडिया का कोई क्लाइंट है? मेरे इंडिया के क्लाइंट हुआ करते थे, बट अभी मैं प्रेफर करता हूँ कि बाहर के क्लाइंट ज़्यादा, क्योंकि इवेंचुअली आपको मतलब आइडिया आ जाता है कि इंडिया के क्लाइंट ज़्यादा पे नहीं करते, तो मतलब ये तो ऑनेस्ट है, मतलब ये रियलिटी है, क्योंकि एज अगर मैं भी फ्रीलांसर को हायर करूंगा तो मैं भी ट्राई करूंगा तो मेरा कॉस्ट बचे कम से कम, हो जाए हमारे एक मेंटली एक माइंड में। हमारा बजट फ्रेंडली इंडिया में हम लोग हायर करने का सोचते हैं, सो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि बाहर के क्लाइंट्स, क्योंकि वहाँ पे जनरल एम्प्लॉय का रेट होता है 50 to 60 dollars, और अगर वो लोग सेम चीज़ सेम टैलेंट और इवन बेटर टैलेंट अगर अब्रॉड से हायर कर रहे हैं $20 में, सो लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। सो जनरली मैं US और जर्मनी के क्लाइंट्स अभी के लिए प्रेफर करता हूँ। तनी आगे मैं आई बिलीव आगे आपके साथ बहुत अच्छा हो जिसमें आप अभी हो, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं आपसे बात करके कि आप ऐसे ही काम करते रहोगे ना कोई क्लाइंट आपको वहीं बुला लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कोई बुलाए, नो डेफिनेटली, एंड वी विल कॉल यू, आपको दोबारा हम बुलाएंगे। फिर आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ना। ओके, तो डोमेन वाइज जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो क्लाइंट हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स हो गया या फिर बैंकिंग हो गया, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास? नॉट इन डिटेल, बट जस्ट कि ई कॉमर्स टाइप आपने काम किया है, क्योंकि डेटा, अब जैसे ई कॉमर्स है, कितना डेटा एक दिन में कितना डेटा आता होगा, तो किस डोमेन पे स्पेसिफिक काम आप अभी कर रहे हो रिसेंटली जो प्रोजेक्ट? सो अभी के लिए मेरे पास 3 to 4 क्लाइंट्स है। सो एक कंपनी है जो ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है यूरोप में, बहुत ही बड़ी कंपनी है। सो वहाँ पे मेरा जॉब होता है कि मतलब जो भी डेटा मतलब रिलेशनल डेटाबेस से आता है वहाँ पे मैं सीक्वल स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग। सो एक बिजनेस पर्सन होगा, वो बोलेगा कि मुझे जानना है कि आज कितने डॉलर्स मतलब कितने प्रोडक्ट शिफ्ट हुए, कितने प्रोडक्ट्स रिटर्न हुए, राइट। सो ये सब चीज़ें वो लोग अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं, तो इसीलिए मुझे सीक्वल स्क्रिप्ट लिखना होता है और डेटा को फेच करके उनको रोज मतलब 9 AM को एक रिपोर्ट जानी चाहिए। सो वो मतलब चीज़ ऑटोमेट करना, वो सीक्वल स्क्रिप्ट लिखना, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना, सो ये एक काम होता है। सेकंड चीज़ मैं एक क्लाइंट के साथ कर रहा हूँ जिसको स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है वो, सो स्टॉक मार्केट्स का डेटा आता है एवरी डे। सो उसको तो मतलब ही वॉज लाइक द स्टार्टअप, ही वॉज डूइंग अ स्टार्टअप एंड ही वॉन्टेड टू बिल्ड द एंटायर एंड टू एंड आर्किटेक्चर। सो मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हम लोग पहले राइट सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें प्रोसेसिंग कैसे होगा, मतलब स्टार्ट से लेके डेटा इंजीनियरिंग का पूरा सॉल्यूशन बिल्ड करना कि यहाँ से डेटा आएगा, फिर यहाँ से प्रोसेस होगा, ये बिजनेस लॉजिक अप्लाई करेंगे और फाइनली हमको इस फॉर्म में डेटा मिलेगा। और थर्ड थिंग मतलब वो रियल टाइम स्ट्रीमिंग पे ही था, ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन से, और वो क्लाइंट्स को कुछ लॉजिक पे प्रोसेस करने थे।
तो मतलब सिमिलर स्केल पे ही होता है सब, मतलब कितने भी इंडस्ट्री हो सबका काम तो काइंड ऑफ सिमिलर होता है कि डेटा आ रहा है उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना है सो दैट कुछ निकाल सके हम लोग डेटा से, वैसा मतलब यही प्रोसेस होता है जनरली। नहीं बहुत अच्छा, जैसे इन्होंने बात करी डिज़ाइनिंग की तो सिस्टम डिज़ाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल डिज़ाइन लो लेवल डिज़ाइन। देखो जी डेटा आपके पास दो तरीके का होगा, एक होगा स्ट्रक्चर डेटा एक होगा अनस्ट्रक्चर्ड। अगर स्ट्रक्चर है तो यू कैन गो फॉर RDBMS, अगर अनस्ट्रक्चर है तो फिर आप MongoDB या बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप मूव कर सकते हो। क्योंकि अगर अनस्ट्रक्चर होगा तो पहले उसको ठीक करना होगा और उसके बाद डिसाइड करना होगा कि डेटा का फ्लो कितना है, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। एग्जैक्टली करेक्ट यार। ओके वेरी इंटरेस्टिंग यार दर्शिल, काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ मैं आपसे इस टाइम। मैं कुछ सीख रहा हूँ आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें। सो आई बिलीव इस टाइम जो ऑडियंस है वो आपसे बहुत कुछ सीख रही होगी और उतना ही लाइक प्यार देगी हमें इस वीडियो पे। ओके सो अब मुझे बताओ जैसे ठीक है तो अभी आप अभी करंटली आज 22 तारीख है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी करंटली आप कितना अर्न कर रहे हो, मतलब कितना हो जाता है एक रफ? अगर फ्रीलांसिंग भी बात करें तो अगेन मैं मैथमेटिक्स पे ही जाऊँगा क्योंकि लोगों को सब मैजिक लगता है कि हम इंडिया में 3 लाख की बात करें मंथली, क्योंकि अभी मेरा करंटली अर्निंग हुआ है कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा है। बट आप अगर ये करेंसी अगर डॉलर्स में देखोगे तो बहुत कम लगेगा आपको। तो जनरली होता है मैं अभी $30 पर आर कमा रहा हूँ, राइट? सो मैं दिन में काम करता हूँ 8 घंटा, मतलब समझो 10 घंटा काम करता हूँ मैं, राइट? अगर मैं यंग हूँ काम नहीं है मतलब फैला हूँ लाइफ में तो मैं काम कर सकता हूँ। सो 30 × 10 $300 हो जाता है। अगर आप उनको 70, क्योंकि वो जो एक्सचेंज रेट होता है अभी तो 78 है बट ईज ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग 70 करेंगे तो कितना हो जाता है, अगर डेली 20,000 आप कर सकते हो 70 × 3 21,000 होता है अराउंड, ज़्यादा हो जाएगा अगर हम 78 से करेंगे तो मतलब 20 to 23। अगर आप उसी को आप अगर मंथली काम करते हो 20 दिन, राइट? क्योंकि वीकेंड भी आप इंजॉय करना है आपको, सो उसको अगर 20 × वो कर दोगे तो 3 to 4 lakhs ईजिली हो जाता है। बट अगेन ये मैथमेटिक्स ये सब करना तो मतलब आसान है बट काम करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मुझे कमाना है और आप बोलोगे मुझे 2 घंटा काम करना है तो ऐसा नहीं होता। सो आपको वो फिगर के लिए उतना काम और उतना हार्डवर्क देना ही पड़ता है, वो डिलीवर तो करना पड़ेगा आपको। नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है, फ्लक्चुएट होता रहता है कि कभी कभी 2 lakhs भी होता है, क्योंकि मैं लास्ट मंथ वेकेशन पे चला गया था 15 days के लिए, सो मतलब वो पैसा भी कट हो जाता है, तो वो भी अकाउंट में लेना पड़ता है कि कभी कभी 0 भी होगा कभी कभी 3 lakhs भी हो सकता है और ज़्यादा भी जा सकता है वैसा। नहीं नहीं सही, स्किल का ही खेल है सारा, स्किल्स हैं और बिना स्किल के कुछ नहीं है। फिर अभी जो फिगर्स की बात कर रहे हैं क्यों इनको मिल रहा है, देखो ठीक है स्किल्स भी है, कहीं ना कहीं इनको एक ट्रिक पता है कैसे कन्विंस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्किल्स है, कन्विंस करना नहीं आता, नहीं आप बिक पाओगे। एट द एंड वी ऑल आर प्रोडक्ट, राइट? तो जितना बेहतर आप कन्विंस कर पाओगे उतना अच्छा आप अपनी सर्विस को बेच पाओगे। ओके और वन मोर पॉइंट मतलब मैं ऐड करूँगा कि जनरली जॉब में क्या होता है कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो और जॉब मिल गया खत्म हो गया, पर फ्रीलांसिंग में आपको एवरीडे इंटरव्यू देना पड़ता है, आपको रोज़ सेल करना है खुद को, रोज़ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो ये रोज़ के काम है, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रिपेयर कर लिया जॉब मिल गए आराम से। काफ़ी चैलेंजिंग है यार, इट्स नॉट इजी मेहनत। यस इट इज़ चैलेंजिंग बट अगेन रिवॉर्ड भी उतने हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल भी उस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है और फिर आप फ्रीलांसिंग को लेकर आगे भी जा सकते हो। अगर आपको खुद का कंपनी खोलना है, एजेंसी खोलना है, यू नो कॉन्टेंट क्रिएशन होता है, तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट आ जाता है कि आप कैसे खुद के बलबूते पे जी सकते हो और आगे जा सकते हो वैसा। थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन ही मिल रही है। ओके सो अभी आपको काफ़ी सारे ऐसे फ्रेशर्स देख रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल देख रहे हैं, अगर उनको फ्रीलांसिंग में आना हो एक डर रहता है, क्या ये सेफ है, क्या लगता है आपको फ्रीलांसिंग, इज फ्रीलांसिंग सेफ? मैं उनको आई नो, देखो यार आप तो वेल सेटल्ड हो, देखो आपके पास क्लाइंट भी है आपको पैसा भी आ रहा है, ठीक है, बट फिर भी मतलब, और मुझे पता है जब जैसे मैं एक यूट्यूब पे काम करता हूँ, आप भी यूट्यूब पे काम करते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह देखते हैं भाई अजय अच्छा अर्न कर रहा है यूट्यूब से, हम भी स्टार्ट करते हैं यूट्यूब, बट आप समझ रहे हो मेरा माइंडसेट क्या है, मैं क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सो इस पर आप क्या बोलोगे, इज फ्रीलांसिंग सेफ? यस सो मतलब वही, उससे पहले हम लोग को वो अंडरस्टैंड करना है कि जॉब सेफ है कि नहीं, क्योंकि आप बोल रहे कि फ्रीलांसिंग पे क्वेश्चन करें कि तो जॉब में तो वही चीज़ है, राइट? आपको कभी भी फायर हो सकते हो आप। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपनीज इतने ले ऑफ्स कर रहे हैं, मतलब 20-30% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, तो उन लोगों को लग रहा था कि उन्होंने को जॉब मिल चुकी है, उनकी लाइफ सेट है, बट अचानक ये चीज़ हो गई। सो मतलब
ट्रेड ऑफ्स तो दोनों में है, रिस्की दोनों चीज़ है, ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्रीलांसिंग ज़्यादा रिस्की है। प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ऑन पेपर सिक्योरिटी नहीं मिलती है फ्रीलांसिंग। जनरली जॉब में बोल देते कि आप जॉब मिल चुकी है, आप काम करोगे, हो गया, ठीक है। पर फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होता है, तो अगर प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए रेडी होना पड़ता है, आपको पिच करना स्टार्ट करना पड़ता है जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, या तो आर्ली बेस्ड या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको, तो एक साल के कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये करना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता चले, पैसा काम करना है। तो अलग अलग ट्रिक्स होती है, स्ट्रैटेजीज होती है, आप फिगर आउट कर लोगे। तो रिस्की दोनों चीज़ है, ओके, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो उसको, क्योंकि जॉब में भी अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे आप फायर तो होने ही वाले हो, फ्रीलांसिंग में भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो कौन देगा काम आपको। सो मतलब रिस्की बिल्कुल है, बिल्कुल रिवॉर्ड्स भी उतने ही है। हाँ बिल्कुल, मेरा भी ऐसा ही सोचना है गाइज। एट दी एंड ना मैं इसको अगर समअप करूँ इस पॉइंट को, सारा खेल स्किल्स का है यार। ठीक है, अगर आप रिजेक्ट भी हो गए, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी ये नहीं तो कोई और आ जाएगी, आती रहेगी। ओके दर्शिल, काफ़ी अच्छा मुझे लगा आपसे बात करके, एंड काफ़ी कुछ सीखा हमने फ्रीलांसिंग के अराउंड, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे आपने प्रोफाइल बिल्ड किया, कैसे क्लाइंट को कन्विंस किया, इवन एक डेटा इंजीनियर क्या होता है, डेटा इंजीनियरिंग के अराउंड क्या क्या प्रोफाइल्स हैं, वो आपसे जानने को मिला। अभी जाते जाते जो क्या एडवाइस करना चाहोगे जो हमारे अपकमिंग यू कैन से एस्पायरिंग डेटा इंजीनियर जो फ्रीलांसर हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सो यही जनरल एडवाइस मतलब मैं लोगों को देता हूँ कि डेटा इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत सारे टूल्स है। अगर आप गूगल करोगे कि बिग डेटा लैंडस्केप, सो आपको थाउजेंड्स के ऊपर, आप टूल्स के नाम भी नहीं पढ़ पाओगे, इतने सारे टूल्स है अवेलेबल है। सो आपको सारी चीज़ें नहीं सीखनी, आपको बेसिक फंडामेंटल्स पे फोकस करना है, उसी पे फोकस करो, उसी को स्ट्रॉन्ग करो, कि मतलब टूल्स के पीछे मत भागो, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करो, आप बहुत ही अच्छे स्पॉट में हो। ज़्यादातर कोर्सेज तो करो ही, पर उसके साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जनरली कोर्सेज करना बहुत ईजी होता है, वीडियो चालू करना, आप साइड में मोबाइल भी करते रहोगे, खाली कोर्स ख़त्म करना ही गोल होता है जनरली कोर्स करते लोग। बट कोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट्स करो, आप हैंड्स ऑन अप्लाई करो, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे आपको एरर्स आएगी, आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या होती है, फिर आपको सोल्यूशन ढूंढना होगा, तो इस प्रोसेस में आप खुद को इवॉल्व करोगे और नई नई चीज़ें सीख पाओगे। सो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज़्यादा करो, और मतलब कॉन्फिडेंट रहो कि आप कर सकते हो, क्योंकि जनरली लोग छोड़ देते हैं क्योंकि अभी लग रहा है डेटा इंजीनियरिंग डिफ़िकल्ट हो गया, सो मैं डेटा साइंस करता हूँ या वेब डेवलपमेंट करता हूँ या कंप्यूटर कोडिंग करके फैंग में अप्लाई करता हूँ, बहुत सारे पास आते रहते हैं मल्टीपल। एक चीज़ पे फोकस रखो, दो उनको 6 से 1 साल का टाइम दो, 6 months 1 year व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, और फोकस करके ट्राई करो कि अगर ये चीज़ मुझे पसंद आ रही है कि नहीं, अगर वो नहीं आ रही है फिर सोचो कि स्विच करना है दूसरी चीज़ों में। ऐसा बहुत ही बढ़िया, एंड गाइज आई बिलीव आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज के सेशन में। बाकी मैंने इनके यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और सीखो वहाँ पे डेटा इंजीनियर के अराउंड। इन्हें बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, आगे बनाते रहेंगे, तो जाके इनको सब्सक्राइब जरूर करना, लिंक्डइन हैंडल गिवन है, जाके फॉलो कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। मैंने लाइक एम रखा है 4000 का, अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आते रहेंगे। थैंक यू सो मच दर्शिल, जल्दी मिलेंगे दोबारा। मैं बताता हूँ आपको, ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि लाइक का गेम और डेटा इंजीनियरिंग और लाइक्स कैसे होता है, राइट? आप जब भी कोई भी वीडियोस को लाइक करते हो, वो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो डेटाबेस में जाके स्टोर होती है, और आफ्टर एवरी आवर और एवरी 30 मिनट्स वही जो ट्रांजेक्शन होंगे वो प्रोसेस होंगे और डेटा वेयरहाउसेस में जाते हैं, और उस बेसिस पे मशीन लर्निंग मॉडल उसको उठाता है और ये वीडियो बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता है। सो अगर आप ये वीडियो को लाइक करोगे, राइट, सो यही वीडियो बहुत सारे लोगों को जाएगा और उनको भी सीखने मिलेगा कि ये चीज़ क्या होती है। सो अगेन डेटा इंजीनियरिंग बहुत ही बढ़िया फील्ड है, अगर आपको सीखना हर जगह है इसके लिए आप यस एग्जैक्टली सो आप कनेक्टेड हो टेक्नोलॉजी से, तो मेक श्योर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच दर्शन, थैंक यू गाइस।